वेलकम टू मिडिल रो। तो आज के वीडियो में हम और दो मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। किस चीज़ के मेथड? सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स के मेथड्स के बारे में। तो आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग हो, क्योंकि आज हम दो नहीं तीन मेथड्स देखेंगे। मतलब देखेंगे तो वैसे दो ही, लेकिन सेकेंड मेथड के दो पार्ट्स है, ठीक है। और हो सकता है कि आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको ठीक से समझ ना आए। तो मैं ये बोलूँगी कि आप मेरी आज वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद YouTube पे कोई और चैनल पे जाके आप एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख लीजिए, स्पेशली फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट आई विल बी टीचिंग टुडे, ओके। उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट एक बार देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद शायद आपको मैंने जो बोला या मैंने जो समझाया वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? आज हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि इफ द डाई इन ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर, यानी कि हमारे पास जो ब्लैक इंक रहता है ना, क्या वो एक ही कलर से बना हुआ है? देखो, पहले में हमने क्या किया था, इंक को अलग किया था, राइट। अगर तुम लोग को याद होगा तो पहले के एक्सपेरिमेंट्स में हमने इंक को अलग किया था और हमें पता चला था कि इंक वाटर और डाई से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है और डाई से बना हुआ है। और ये इस मेथड को हमने कैसे, ये इसको अलग किया था, वाटर और डाई को हमने कैसे अलग किया था? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, राइट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। पर अब क्वेश्चन आता है कि ये इंक जो डाई से बना हुआ है, क्या ये डाई सिंगल कलर है? क्या ये डाई सिंगल कलर से बना हुआ है? मतलब क्या वो हमारी तरह सिंगल है, या उसके पास कोई है जिसके साथ मिलके उसने ये कलर बनाया है, ठीक है। तो ये हमें पता करना है आज। तो इसके लिए हमें सिंपल सा काम करना है। पहले हमें एक लेना है फिल्टर पेपर। क्या लेना है? एक लेना है हमें फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को लेने के बाद देखो, उसको फिर ना पेंसिल से ऐसे मार्क कर देना है, कुछ 3 या 4 सेंटीमीटर के बीच में ऐसे लाइन को मार्क कर देना है। अब उस मार्क की हुई लाइन पे तुम्हें डालना है ब्लैक इंक। अब ब्लैक इंक कहाँ से मिलेगा? ब्लैक इंक हम फाउंटेन पेन से ले सकते हैं, हम स्केच पेन से ले सकते हैं, कहीं से भी वो ब्लैक इंक लाके आपको इधर डालना है। फिर आपको लेना है एक पानी का ग्लास या बीकर या जार, कुछ भी बोल लीजिए आप, ठीक है। वो लेने के बाद आपको क्या करना है, उस लेने के बाद आपको धीरे धीरे उस फिल्टर पेपर को पानी में डुबोना है, ठीक है। तो जैसे ही वो पॉइंट आएगा जहाँ पे आपने मार्क किया था या फिर जहाँ पे आपने इंक डाली थी, जैसे ही वो पॉइंट पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, समझ रहे हो बात को, जैसे ही वो पॉइंट पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, उसके बाद जब भी आप पेपर को डुबोगे, उसके आगे जब भी आप पेपर को और डुबोगे, तो आप देखोगे कि पानी के साथ साथ इंक भी ऊपर जा रहा है। बात समझ आई? क्योंकि पानी क्या, इंक क्या हुआ, वो वाटर प्रूफ इंक नहीं था, उसमें क्या हुआ, वो पानी के साथ साथ, और हमने फिल्टर पेपर यूज किया था, राइट, तो उसने क्या हुआ, वो पानी के साथ साथ इंक भी ऊपर जाने लगा। मतलब अगर पहले हमने फिल्टर पेपर लेके, ये फिल्टर पेपर है मान लो, पहले अगर हमने यहाँ तक डुबोया और हमारा क्या, हमने इंक यहाँ पे डाली थी, राइट, यहाँ तक तो सिर्फ पानी में डुबो रहे थे। इसके बाद, इस पॉइंट पे पानी टच होने के बाद, इसके फर्दर पानी के साथ साथ आपको इंक भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और वो जो इंक ऊपर जा रही होगी, वो एक कलर की इंक नहीं होगी, वो ब्लैक कलर की इंक नहीं होगी, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ब्लू देखने को मिले, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ग्रीन देखने को मिले, पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, बहुत सारे कलर्स मिलके, मैनी कलर्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ब्लैक कलर, ठीक है। इसमें जब हम बहुत सारे कलर को मिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लू मिलाया और ग्रीन मिलाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं,
अब ब्लू की स्पीड कुछ और होगी, इसकी स्पीड 1 होगी, इसकी स्पीड 2 होगी, दोनों की स्पीड भाई साहब सेम तो होगी नहीं। तो पानी के साथ साथ जब इंक ऊपर जाने लगे, पानी के साथ साथ जब इंक ऊपर जाने लगे, तो भाई ब्लू अपनी स्पीड से जा रहा था और ग्रीन अपनी स्पीड से जा रहा था। अब इन दोनों की स्पीड मैच नहीं की, मैच नहीं की तो क्या हमें ग्रीन, देखो अब फिल्टर पेपर जब हमने पानी से निकाला तो क्या हुआ, हमें इस पोर्शन में ग्रीन देखने को मिला, इस पोर्शन में ब्लू देखने को मिला, कि ग्रीन यहाँ पहुंच चुकी थी और ब्लू अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि ब्लू की स्पीड कम है ग्रीन से। अगर मान सकते हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि किसकी स्पीड ज्यादा है, पर ऐसा मान सकते हैं कि ब्लू की स्पीड ग्रीन से कम है। ठीक है, इस चीज में शायद आपको मिल जाएगी नेट पे किसकी कितनी स्पीड है, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स नॉट आवर बिजनेस, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। इम्पॉर्टेंट क्या है, कलर की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। तो जब पानी के साथ साथ कलर ऊपर जाने लगता है तो कोई कलर पहले जाता है, जो कलर पहले जाता है वो हमें पहले दिखता है, और जो कलर बाद में जाता है वो हमें बाद में दिखता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दो अलग अलग कलर से या तीन अलग अलग कलर से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो हमारा जो ब्लैक इंक है वो सिंगल कलर से नहीं बना है, और हमने जिस भी कलर से ब्लैक इंक बना है उन सारे कलर्स को हम ने अलग भी कर दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। अच्छा ओके, इस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आने से पहले, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, राइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रोमा मतलब, देखो क्रोमा मतलब ग्रीक में कलर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली शायद ये ग्रीक में इन्वेंट हुआ था, पता नहीं मुझे, बट इसको इसीलिए हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं क्योंकि हम कलर को अलग कर रहे हैं, और कलर क्रोमा बोलते हैं ग्रीक में, कलर को क्रोमा बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, ग्रीक में बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम है क्रोमेटोग्राफी, और इस क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप आगे भी चल के पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जितना मैंने बताया, जितना आपको समझ आया उतना काफी है, ठीक है। आगे शायद आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा फर्दर क्लास में। देखो 11th 12th के मैक्सिमम टॉपिक्स से अभी पढ़ रहे हो, 9th 10th में उनको बस थोड़े से एडवांस लेवल पे और पढ़ाया जाएगा आपको। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आपको बहुत आसानी होगी कि आप 11th 12th में चीजों को समझ सको, इनकेस अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो, अगर कोई और स्ट्रीम ले रहे हो तो भी देखो यार, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह भी हो गया तो 11th 12th में बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें 9th 10th में पढ़ाया जाता है। तुम्हें जो भी स्ट्रीम लेनी है तो उसका एटलीस्ट बेसिक स्ट्रांग रखने की कोशिश करो, ठीक है। अब मतलब पढ़ाई के अलावा कहीं और इंटरेस्ट है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर इसी लाइन में जाना है हमारे जैसे साधारण लोगों के साइड तो। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में क्या क्या है, कलर्स इन अ ड्राई, सॉरी कलर्स इन अ डाई एंड पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, तो ये सब अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला है हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स। तो इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, इससे पहले वाले यानी कि कल के दिन, कल मैंने इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ाया था, इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ाया था। इमिसिबल लिक्विड्स को भाई अलग करना तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, हम ऊपर पानी ऑयल रख देंगे, नीचे पानी आ गया, पानी को निकाल दो, ऑयल बच जाएगा, बहुत आसान काम था, राइट। तो वो तो बहुत आसान सा था, बट अभी हम ये जो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं उनको कैसे अलग करेंगे। तो बेसिक फंडा समझो कि कौन से बेसिस पे हम मिसेबल लिक्विड्स को अलग करने वाले हैं, कौन से बेसिस पे हम मिसेबल लिक्विड्स को अलग करने वाले हैं। तो भाई साहब, हम मिसेबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं, कौन सी चीज को हम यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को। मिसेबल लिक्विड्स है, आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं, तो हमें ऐसा कोई पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पे क्या सोच विचार दोनों के अलग हो, यानी कि जहाँ पे उन दोनों के प्रॉपर्टीज अलग हो, राइट। तो अगर तुम्हें कभी किसी को ऐसा करना होता है तो क्या करते हो, ऐसी चीज मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ भड़काना होता है, तुम्हारी कोई क्रश है, अब उसका कोई और क्रश है, तो तुम क्या बोलोगे उस तीसरे बंदे के बारे में, इसको बुराई ना बोलोगे जिसको नहीं पसंद है, ठीक है।
तुम्हारी क्रश वेजिटेरियन होगी, तुम बोलोगे अरे वो बंदा तो रोज नॉन वेज खाता है, तो ऐसी चीजें करोगे ना। तो हमें ये ऐसा कुछ पॉइंट ढूंढना है जहां पे मैटर ऑफ इंटरेस्ट अलग हो, या फिर हम बोल सकते हैं जहां पे दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो। तो मिसेबल लिक्विड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है? बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकती है। तो हम इसी का यूज करके दो मिसेबल लिक्विड्स को अलग करेंगे। कैसे करेंगे बात को समझो। हमने डाल दिया यहाँ पे कौन कौन से, एसीटोन और वाटर ले लो, नहीं हाँ एसीटोन और वाटर ले लो, ठीक है। एसीटोन और वाटर को हमने ले लिया। एसीटोन और वाटर को लेने के बाद क्या हुआ ये बताओ। एसीटोन को लेने के बाद हमने जब उनको एक बीकर में डाला, और उस बीकर को हमने क्या किया, या फिर हमने सॉरी बीकर नहीं फ्लास्क में डाला, और फ्लास्क में ले डालने के बाद उसको हमने प्रोवाइड की हीट। अब तुम लोगों को शायद पता होगा कि एसीटोन को हम बहुत इवेपोरेशन के एग्जाम्पल में एसीटोन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि एसीटोन बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एसीटोन हमारा गैस लिक्विड से गैस में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लिक्विड से गैस में एसीटोन हमारा बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है इसे मतलब बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है विथ कंपेयर रीजन टू वाटर। तो 78 डिग्रीज पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एसीटोन है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे हीट दिया, तो जैसे ही हम 78 डिग्री हमने जैसे ही हासिल की, जैसे ही हमने 78 डिग्री हासिल की, तो क्या हुआ, एसीटोन जो है वो वेपर बनना शुरू हो गया। और जैसे ही वो वेपर बन गया, वो इस फनल के थ्रू, इस टनल के थ्रू इधर आ गया। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सॉरी ये है हमारा, जहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक टनल टाइप है जहाँ पे हमारे पास कोल्ड वाटर प्रेजेंट है। अब कोल्ड वाटर से क्या होगा, जो एसीटोन हमारे पास आया था उसको हम कोल्ड वाटर में डालेंगे, तो एसीटोन क्या हो जाएगा, एसीटोन हमारा कूल हो जाएगा। एसीटोन के वेपर्स क्या हो जाएंगे, एसीटोन के वेपर्स कूल हो जाएंगे। एक बार एसीटोन के वेपर्स अगर कूल हो गए, तो हमें एसीटोन वापस लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। तो 78 डिग्रीज आते ही एसीटोन ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाके इस टनल से गुजरना शुरू किया। गुजरने के बाद जैसे ही वो टनल से गुजरा, वहां पे क्या था, वहां पे था हमारा कोल्ड वाटर प्रेजेंट। और कोल्ड वाटर में जाते ही क्या हुआ, एसीटोन का जो सराउंडिंग है वो ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से वो गैसेस से किस में कन्वर्ट हो गया, वो गैसेस से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, राइट। और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है देखो लो टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो जैसे ही हमने ठंडा एनवायरनमेंट या ठंडा पानी यहाँ पे प्रोवाइड किया, एसीटोन के वेपर्स ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद एसीटोन के जो वेपर्स थे वो एसीटोन के लिक्विड में चेंज हो गए, और जैसे ही लिक्विड में चेंज हुआ तो वापस हमने यहाँ पे एसीटोन को लिक्विड फॉर्म में पाया। कुछ नहीं किया हमने, पहले हमने हीट दिया यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया ताकि हम वेपर में ला सकें। वेपर में लाने के बाद हमने वापस कूल किया ताकि हम वापस लिक्विड में ला सकें। पर यही सारी कहानी कब हो रही है, ये सारी कहानी हमारी 78 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है। तो सब सारी कहानी हमारी 78 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है, तो क्या पानी पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ थोड़ा बहुत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी भी इवेपोरेशन शो करता है। तो 78 डिग्री पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही सही, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो बस बोलने के लिए मैंने 78 डिग्री दिया है। एसीटोन की मैं बताती हूँ तुम लोग, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, जैसे एसीटोन की देखो, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट 78 नहीं 56 डिग्री होती है। कितनी होती है? 56 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। 58 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस होती है एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टाइम पे भले ही पानी इवेपोरेशन शो करता हो, भले ही पानी इवेपोरेशन शो करता हो, लेकिन भाई 56 डिग्री सेल्सियस पे नहीं करता है।
और थोड़ा टेम्परेचर जाने के बाद यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस में पानी इवापोरेशन शो करता है। तो यहाँ के 56 डिग्री में तो पानी पानी ही रहने वाला है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा सा भी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 56 डिग्री सेल्सियस में हमने सिर्फ एसीटोन को वेपर्स में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद उसको वापस हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, देखो यहाँ पे हमें बोला भी गया है कि ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो ये था हमारा अभी का डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो देखो यार, जो हमारे जो टर्म्स है, एपरेटस है, टर्म्स है, ये सब याद करना कि क्या था यहाँ पे। यहाँ पे वाटर आएगा, वाटर कंडेंसर आएगा, ये क्लैंप बोलते हैं, ये वाटर आउटलेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन। तो सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन में क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन में है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो भाई साहब, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब दो मिसेबल लिक्विड्स, जब दो मिसेबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि वो चीज जिसको जिसके बेसिस पे हम लिक्विड्स को अलग कर रहे हैं, मिसेबल लिक्विड्स को अलग कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम मिसेबल लिक्विड्स को अलग कर रहे हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट दो मिसेबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनका डिफरेंस जब 24 केल्विन से कम हो, 25 केल्विन से कम हो, 25 केल्विन से कम हो जब उनका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा लिक्विड्स या कुछ ऐसा मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट, जिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, तब क्या करेंगे? ये क्यों प्रॉब्लम है? इसको हम डिस्टिलेशन से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि मान लो एक ए है और बी है, ठीक है, दोनों मिलके मिसेबल मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, ए का बॉइलिंग पॉइंट है 80, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100। तो जैसे ही 80 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा तो क्या होगा? 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आने के बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। पर जो 100 डिग्री सेल्सियस में है वो बॉयल तो नहीं होगा, लेकिन जो 100 डिग्री सेल्सियस में है वो इवेपोरेशन तो दिखा सकता है। तो इवेपोरेशन दिखाने की वजह से क्या होगा? वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके वेपर्स जब ऊपर जा रहे थे, और कंडेंस हो रहे थे, ठीक है, जा रहे थे और टनल से निकल के कंडेंस हो रहे थे, तब इसके वेपर्स ने बीच में दखल अंदाजी कर दी। मतलब तो जाना तो इसको था ना, ये तो बिना बात आ गई, तो इवेपोरेशन देके आ गया, ये लीगली जा रहा था। ठीक है, पर ये वो हो गया, वो वीआईपी पास वाला, ये 2 घंटे से लाइन में लगा हुआ था, पर इसने बोला यार मेरे पास तो वीआईपी पास है, मैं भी जा सकता हूँ 80 डिग्री सेल्सियस में। ज्यादा तो नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो वेपराइज हो ही सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इवापोरेशन शो करता हूँ। फिर यहाँ तो बहुत ज्यादा भेदभाव हो गया, तो ऐसे में तो वो चीज चलेगी नहीं, राइट, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इसलिए हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा के हमने क्या किया, हमने इसको बनाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ नहीं होता है, बस ये एक चीज एक्स्ट्रा होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनिंग कॉलम। फ्रैक्शनिंग कॉलम में हम क्या रखते हैं? फ्रैक्शनिंग कॉलम में हम लोग ग्लास बीड्स रखते हैं। क्या रखते हैं? ग्लास बीड्स रखते हैं। ठीक है, ग्लास बीड्स रखते हैं। ग्लास बीड से क्या होता है? देखो, जब ए हमारा 80 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होके वेपराइज हुआ, तो उसके वेपर जो है, इसका जो वेपर है ये होता है स्ट्रॉन्ग, इसका जो वेपर है ये होता है वीक। ठीक है, इसका वेपर स्ट्रांग होता है, इसका वेपर वीक होता है। इवेपोरेशन का वेपर कंपेरेटिवली वीक होता है देन बॉइलिंग का वेपर। ओके, तो जब इसका वेपर वीक होता है तो क्या हुआ? जैसे ही हमने इसको, देखो यहाँ पे एक सेकेंड ना, हाँ, जब हमने यहाँ पे पानी को बॉईल करना शुरू किया, तो ए ने क्या हुआ, ए तो चला गया वेपर बन के और आ गया यहाँ पे। अब
अब बी के भी कुछ कुछ वेपर्स चले गए ऊपर और आ गए यहाँ पे बीड्स है। बीड्स क्या करते हैं पता है? बीड्स का काम है जो वेपर्स आए हैं उनको ठंडा करना। कैसे ठंडा करना? उनको एक सरफेस प्रोवाइड करता है। देखो जब सरफेस एरिया ज्यादा होती है तो पानी हमारा ठंडा हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है? तो सरफेस ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। तो बीड्स क्या करता है वहां पे? सरफेस प्रोवाइड करता है हमारे वेपर्स को कि वो जाके वहां पे ठंडे हो जाए, ठीक है? अब देखो ये जो एक के जो वेपर्स थे ये थे स्ट्रॉन्ग, इनको ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो ये क्या करेंगे? ये बीड्स के साथ फाइट करते 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 ऊपर तक पहुंच जाएंगे। पर जो हमारे बी था वो तो हुआ था भाई इवेपोरेशन से वेपर, उसके वेपर तो वीक निकले। तो अब क्या होगा? तो हमारे जो इवेपोरेशन के जो वेपर्स थे वो भी कोशिश कर रहे जाने के, पर यहाँ पे मिडवे में कहीं वो पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि उसके वेपर्स वीक थे। तो सरफेस मिलने पे वो जल्दी ठंडा हो गया, और जैसे ही वो ठंडा हो गया क्या हुआ? वापस से इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ गया। ऐसे करके जो स्ट्रॉन्ग वाले वेपर्स होंगे वो पहले वेपर्स बनेंगे और वापस वो कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे पानी के एनवायरनमेंट मिलेगा और वो नीचे आ जाएंगे। और हमारे जो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी उसको स्ट्रॉन्ग वेपर बनाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो 80 डिग्री में तो उसका काम बनने से रहा, वो जब वेपर्स बना रहा है वो तो बहुत वीक वाले वेपर्स बना रहा है, तो वो कुछ भी हो जाए इस फ्रैक्शन एंड कॉलम को पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ऐसी ही बात है। तो इसलिए मतलब ये मतलब वो चीज हो गया कि मतलब किसी ने चीटिंग करके थोड़ा बहुत पास कर लिया पर आगे का सब्जेक्ट अब उससे हो ही नहीं रहा है, राइट? तो ये चीज है। तो यार आज के लिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई नो आज का वीडियो थोड़ा थोड़ा नहीं काफी ज्यादा ही लॉन्ग हो गया, बट कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत तो हो जाता है कभी कभी। तो चलो यार फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस चले जाएंगे, ठीक है? और एक और चीज, मैक्सिमम आपकी जो केमिस्ट्री की क्लासेस है, सॉरी फिजिक्स की क्लासेस है, वो भी आना शुरू हो जाएगी। तो या जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दैट, ओके? चलो।